सर हाफ ईयरली भी आ गए हैं, सिलेबस का कुछ पता नहीं है, क्या अब से भी पढ़ के हम लोग क्लास 12th के अंदर टॉपर्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर पहुंच सकते हैं, यानी कि 98% मार्क्स ला सकते हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि जो ये बचा हुआ 4 से 5 महीने का टाइम है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तब जाके आप लोग 98% तक पहुंच सकते हो। क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरे इस वीडियो के अंदर आप सभी से शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सितंबर एंडिंग की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी तक उम्मीद यही है कि इस बार भी एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों को एनी हाउ सितंबर जो बचा हुआ टाइम है इससे लेकर दिसंबर तक अपना 100% सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। अब चाहे कैसे भी आप लोग करें, चाहे यूट्यूब की हेल्प लें या फिर आप लोग किसी भी पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करके अपनी तैयारी को करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर तक आप लोग को 100% अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि जनवरी और जो फरवरी का टाइम होता है बेटा वो आप लोग के लिए सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने का, साथ ही साथ रिवीजन करने का टाइम होता है, जिससे आप लोग इफेक्टिवली पेपर के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों को दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या आपका स्टडी प्लान से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि स्टडी प्लानर बनाना है और उसके अंदर जो आपके हर एक सब्जेक्ट है उनको इक्वली टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि सर एक सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अच्छे से पढ़े जा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स को देख ही नहीं रहा हूं। बेटा यहां पे हर एक सब्जेक्ट आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अपना जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू लेना है कि भैया बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट किस किस जो टॉपिक है उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं उनको आप लोगों को लिख लेना है। अब उनको कंप्लीट सबसे पहले कर लेना है। देन आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करना है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट को टाइम इक्वली देना है जिससे आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके बाद में स्टडी मटेरियल आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तो अभी बुक्स भी नहीं खरीदी होंगी, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है एनसीईआरटी भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोगों को एक रेफरेंस बुक भी रखनी है, जिससे क्या हो, रेफरेंस बुक की जो लैंग्वेज होती है ना वो ईजी होती है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। तो एक बार आप लोग जब रेफरेंस बुक से पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी ईजी आप लोगों को लगने वाली है। आप लोगों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स वगैरह को भी करना है, जिससे आप सभी के एग्जाम के अंदर अगर हूबहू आ जाते हैं तो वो आप लोगों के पूरे क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आप लोगों को मल्टीपल बुक्स की तरफ नहीं जाना है कि भैया सर मैं तो 15 बुक्स को खरीद के ले आया अब इनको पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है एक रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी आप लोगों को ले लेनी है, उसके बाद में उन्हीं को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जिससे आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें बैठ जाए। इसके बाद में आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो भी आपने एक वीक के अंदर पढ़ा संडे को आप लोग रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में प्रैक्टिस करो भैया उससे रिलेटेड टॉपिक्स की, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आप लोगों को स्टडी प्लानर कंप्लीट करना है। देन इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि सर आप सभी को यहां पे किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी रखनी है, यानी कि सर टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आप सभी को जो भी आपके टास्क है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये लगता है कि यार आज मैं अगर पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उसके मुझे 4 न्यूमेरिकल करने हैं, तो भैया वो करने अपने टास्क को क्या करना है बेटा, इंपॉर्टेंस जो उसके अकॉर्डिंग उनको सेट कर लेना है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, आज मेरे को मार्केट नहीं जाना है तो नहीं जाना है, पहले मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही, उन सारी चीजों को आप लोगों को कर लेना है। देन आप लोगों को टाइम अलॉटमेंट देना है उसको कि भैया टाइम कितना अलोकेशन आप लोग दे रहे हो कि यार मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं या सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूं, मुझे इसके लिए 1.5 घंटा चाहिए, तो 1.5 घंटा आप लोगों ने अलॉट किया और उसको कंप्लीट करना है। और फिर बाद में आपको देखना है कि क्या मैंने 1.5 घंटे के अंदर जितना सोचा था क्या उसको कंप्लीट कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। यानी कि आप लोगों को अगर मैं सिंपल बोलूं तो अपना डे वाइज या फिर डे वाइज अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो वीकली मंथली आप लोगों को अपना प्लानर सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप लोगों को करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद में टाइम ट्रैकिंग कि भैया आप लोगों ने जो चीजें की थी क्या वो आप लोग उस टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर। देन आप लोगों को ब्रेक्स ऑन रिफ्रेशमेंट, यानी कि आप लोगों को रेगुलरली अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 5-10 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना है, जिससे आपका माइंड अगले जो आप लोग पढ़ोगे उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि सर पढ़े जा रहे हैं दिमाग बिल्कुल थक गया है अब वो चीजों को ले ही नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो सिर्फ ऊपर से पढ़े जा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। रेगुलरली ब्रेक्स आप सभी को लेना है, तब जाके चीजों को आप लोग कर पाएंगे। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों को अब सर कि कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जिससे लंबे टाइम तक हम लोग चीजों को याद रख पाए, तो पहली जो होती है ना बेटा वो होती है एक्टिवली रिकॉल, यानी कि सर आप लोग क्या करते हो मोस्टली टाइम्स कॉपी पेन से कॉपी उठा लेते हो और कॉपी के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते रहते हो ऐसे। ऐसे कभी नहीं करना है आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर आंखें बंद करनी है, उस टॉपिक को सोचना है, सोचते जाते हैं आगे बढ़ते जाना है। अगर क्या टॉपिक वो आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बुक्स खोलो, कॉपी खोलो, उसको पढ़ो, फिर आगे आगे वापस से क्या करना है, रिकॉल करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, सारी चीजें दिमाग के अंदर आप लोगों की सेट होंगी। इसके बाद में और क्या कर सकते हो, बोला सर माइंड मैप वगैरह होता है, इनको यूज कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो उनको भी हम लोग आसानी से पढ़ के अपनी जो तैयारी है उसको करके एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है कि यार कैसे आप लोगों को कैसे इनको चीजों को कर सकते हो, नोट्स वगैरह है उनको रीड करना है, कैसे करना है, उन सारी चीजों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब क्या करना है सर, जैसे ही आप लोग जनवरी फरवरी में आप लोग पहुंच जाते हो तो उस केस में आप लोगों को सबसे पहले सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अब सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहां पे बेटा उनकी एनालिसिस करनी है। बेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10 ही कर रहे हो लेकिन आप लोगों को उनकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो आप लोगों को नहीं आती है। मान लो कि अगर मैंने बोला कि सर मैंने 10 मॉक किए या पहला ही मॉक किया, पहले मॉक के मेरे को कैपेसिटर के सवाल नहीं बन रहे, तो मैं कैपेसिटर को क्या करूंगा, जाके रिवाइज करूंगा। अगली बार अगर कैपेसिटर से रिलेटेड अगर टॉपिक से सवाल आता है तो मैं उस सवाल को कंप्लीट करूंगा, ये आपका टास्क होना चाहिए। अदरवाइज ये मान के चलिए कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे ना तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। अगर आप लोग सिर्फ सैंपल पेपर करे जा रहे हैं, आप लोगों को उसका एनालिसिस करना जरूर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोगों ने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि यार हाफ ईयरली के पेपर के अंदर मेरे से सारे हुए हैं, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उनको मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद में मेरे को आइडिया लगेगा कि यार इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो मुझे पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाफ ईयरली के क्वेश्चन एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर भी सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। आपने अगर उसको पहले से कर रखा है तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहेगा और उस टाइम पे उस सवाल को आप लोग इजीली कर जाओगे। यानी कि सर आप लोगों के लिए एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के जो वीक एरियाज हैं उस पे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले मान लो कि मैंने बोला कि सर मेरा लाइक रे ऑप्टिक्स के अंदर लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे तो उसको मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद में फिर वापस देखूंगा क्या न्यूमेरिकल बन रहा है, नहीं बन रहा है तो दोबारा उसको रीड आउट करूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, अपने वीक एरियाज पे काम करना पड़ेगा। और आप लोगों को इससे एनालिसिस से एक चीज और पता लग जाती है कि यार आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें आती है, मैं उन्हीं का रिवीजन करता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो चीज नहीं आती है, जिनमें हमें दिक्कत हो रही है मॉक टेस्ट देने के बाद में या फिर सैंपल पेपर्स देने के बाद में भी, तो भी आप सभी को उनको क्या करना है, देखना है, उन पर काम करने की जरूरत है आप सभी को। तो ये सारे चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को करना है। स्ट्रेंथ और वीक एरियाज हैं उनके बारे में आप लोगों को पता लगाना है। इस तरीके से क्या करोगे, अगर आप लोग चीज़ों को करते हो तो आप लोगों के सारे चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद में और क्या करना है, बोला सर सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना वो ये होता है कि कई बार सैंपल पेपर्स के अंदर स्कोर नहीं आ रहा होता है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को रियलिस्टिक गोल्स हैं उनको सेट करना है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने सोच लिया कि आज तो मैं 11 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। आपको रियलिस्टिक रहना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है कि यार हाँ मैं इतना पढ़ सकता हूं तो उतना आपको करना है। ऐसा नहीं है कि सर बस लगे हुए, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, दूसरे दिन बिल्कुल ही बंद है किताब, तीसरे दिन बिल्कुल ही बंद है किताब। इस तरीके से नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको मेनली क्या होता है कि टाइम जो होता है ना उस पर फोकस करना है, क्योंकि पेपर आप लोगों का 3 घंटे के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है और 3 घंटे के अंदर करना है। तो इसका मतलब यही है कि सर हम लोगों को उस टाइम फ्रेम के अंदर ही चीज़ें करने की जरूरत है। अगर मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ या फिर मैं सैंपल पेपर दे रहा हूँ तो उस टाइम पर आप सभी को क्या करना है, उस 3 घंटे के लिए घड़ी लगा लेनी है और उस टाइम पर आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। इसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि यार सर मेरे को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने टीचर से पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए, उन टॉपिक्स को कवर करिए। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यार उन चीजों को छुपा के बैठ रहेंगे, तो छुपाना नहीं है भाई, उन पे काम करने की जरूरत है आप सभी को। लास्ट है कि जो भी आप लोग पूरी प्रोसेस कर रहे हो उसको एंजॉय करना है। बर्डन लेके नहीं चलना है कि सर नहीं मेरे पे तो बर्डन है, मुझे तो अच्छा करना है, ये नहीं करना है। आपको उसको एंजॉय करना है कि यार हाँ मेरे को अच्छे से स्कोर करना है, मेरे को एकदम अच्छे से चीजों को करना है, वो चीज आपको करते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आप सभी को बता दी है बेसिकली क्या करना है। अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं सर मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग चीजों को अच्छे से कर पाएँ, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ। अब भी जो टाइम बचा हुआ है क्लास 12 के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लें, तो उसके लिए आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, महापैक है, उसके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। कैसे आपको एनरोल करना है वो भी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, यहाँ पे Adda247 सर्च करना है। क्या करना है बेटा, Adda247 सर्च करना है। Adda247 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद में जाने के बाद में बेटा यहाँ पे देखो, इसको आगे खिसकाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल K12, K12 में आप लोग जाओगे तो देखो ये रहा CBSE क्लास 12, इसके ऊपर जाना है। जो लेटेस्ट बैचेज हैं आप सभी के वो सारे अवेलेबल हैं, चाहे आप लोग कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, संभव जो क्लास 12 साइंस का बैच बाय नाउ पे जाना है। यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, क्या है, Y485, जिसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अभी देखिए ये 3499 का बैच है, इसको लगाओगे तो ये 3355 रुपये में आप सभी को मिल जाएगा, यानी कि सर जो पहले 27% मिल रहा था, इस कोड को लगाने के बाद में 30% आप सभी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है, यानी कि Y485 जो कूपन कोड है इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर फिर भी कोई क्वायरी, कोई डाउट है तो आप लोग gajendrakumar@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसके द्वारा मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर पाऊंगा। ठीक है जी। सो इसके अलावा फिर भी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाई गजेंद्र सर, लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो आप लोग जुड़ सकते हो Adda247 की ऐप है, उसको डाउनलोड करने के बाद में। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोज़ में Adda247 CUT के इस परिवार के अंदर और साइंस अड्डा के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना है कैसा लगा वीडियो। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है फिर भी आप लोग लिखेगा, जिससे मैं सारी चीज़ों को दूर कर पाऊँ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।